नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेष राशि, मेष राशि के जातकों, आज आपकी संचार क्षमता आज उस स्तर पर रहेगी और किसी भी नए उद्यम को शुरू करने के लिए ये एक अच्छा समय है। आज आप अधिकांश उपक्रमों का सफलता पूर्वक प्रबंधन कर पाएंगे। आपके पास नए अधिकरण हो सकते हैं जो आपके जीवन शैली में सुधार करेंगे। आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा कष्ट से भरा रह सकता है। आपके बच्चों के कारण आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। इन सब समस्याओं के बीच आपका जीवन साथी बहुत स्नेह और प्यार करने वाला होगा, जो आपको तनाव से उबरने के लिए नैतिक समर्थन प्रदान करेगा। वृष राशि, वृष राशि के जातकों, आज आप व्यावसायिक रूप से बहुत सफल हो सकते हैं। आपका नाम और आपकी प्रसिद्धि व्यापक रूप से बनी रहेगी। आज के दिन आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे और आपका आत्मविश्वास भी काफ़ी बढ़ा रहेगा। आप अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। प्रतिकरण और रैंक के व्यक्ति आपके पक्ष में रहेंगे और साथ ही आप एक उच्च जिम्मेदार पद पर आसीन हो सकते हैं। आपकी आमदनी बढ़ सकती है और आपका पारिवारिक जीवन भी आनंदमय रहेगा और आपके बच्चों और आपके लिए भी गर्व का स्तोत्र बनेंगे। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के जातकों, यह मिश्रित परिणामों की अवधि है। इस समय आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। आप अनावश्यक जटिलताओं में फंस सकते हैं और साथ ही चल रही परियोजनाओं में आपकी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय मुद्दों को हल करने में कुछ समय लग सकता है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उस पर अच्छे से विचार कर लें और पारिवारिक जीवन आपका सामंजस्य रहेगा और आप बड़े उत्साह के साथ पारिवारिक गतिविधियों में भाग लेंगे और यात्रा भी करनी पड़ सकती है और यात्रा आपके लिए लाभदायक ही होगी। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के जातकों, आज पारिवारिक जीवन में अस्थिरता रहेगी। आपका अपने माता पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। नौकरी पेशा वालों के लिए जातक कठिन परिश्रम करने से आपको वरिष्ठों को संतुष्ट करने का अवसर मिल सकता है। यदि आप अपना दृष्टिकोण बदल लें और ईमानदारी से काम करें तो आने वाले दिनों में आपका रैंक, आपकी परिश्रम और आपकी लोकप्रियता दोनों बढ़ेगी। आप कुछ नवीन शौक विकसित कर सकते हैं जो आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकता है। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के जातकों, आज आप में से कुछ के लिए आर्थिक और व्यापारिक रूप से लाभदायक यात्राएं संभव हैं। आपके लिए सुखद अनुभव रहेगा और आत्मविश्वास और स्फूर्ति से परिपूर्ण आपका अच्छा मुनाफा होगा। पारिवारिक परिवेश तनावपूर्ण रह सकता है। प्रेमियों को प्रेम संबंधों में आई गलतफहमी का सामना सामान्य से अधिक साहस और कुशलता के साथ करना होगा। मित्र आपके लिए सहयोगी साबित होंगे। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के जातकों, चल रही परियोजनाओं में बाधाएं आ सकती हैं। किसी भी बहस या टकराव से बचने का प्रयास अवश्य करें और निवेश को स्थगित करना आपके लिए फिलहाल अच्छा ही रहेगा और किसी भी संपत्ति के सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी दस्तावेजों को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और शुभ चिंतकों और दोस्तों का समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको समय समय पर अच्छी सलाह मिलेगी। कुछ स्वास्थ्य का मुद्दा अचानक उठ सकता है। शादीशुदा जिंदगी सामान्य बीतेगी। बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि के जातकों, आज आपको व्यापारिक संदर्भ में रुके हुए कार्य पूर्णता की ओर गति बढ़ाएंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को जल्द ही सफलता अवश्य मिलेगी। आप में से कुछ लोग वित्तीय बाधाओं का सामना कर सकते हैं, लेकिन इसे निपटने के लिए आपको एक नई रणनीति बनाने की बड़ी आवश्यकता है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन तनाव से दूर रहने का प्रयास अवश्य करें। प्रेमियों के लिए आप ने आठ के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक बड़ा ही अच्छा समय है। आपको अचानक काम से संबंधित यात्रा पर जाना भी पड़ सकता है। और बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के जातकों, आज आपके व्यवसायिक क्षेत्र में आपके अपने वरिष्ठ और सहकर्मियों के साथ समान संबंध होंगे और अपनी प्रतिभा और निवेशित प्रयासों के लिए उचित मान्यता भी प्राप्त होगी। आपका पारिवारिक जीवन खुशियों से उज्ज्वल रहेगा। आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अकेले काम करके लंबित कार्यों को सफलतापूर्वक भी कर पाएंगे।
नए उद्यम शुरू करने या विवेकपूर्ण निवेश करने के लिए ये अच्छा बड़ा ही अच्छा समय है। आपका नाम और आपकी प्रसिद्धि दोनों ही व्यापक होगी और आपके पास नए नए अधिकरण भी होंगे। अब बात करें धनुराशि की, तो धनुराशि के जातकों, व्यवसायिक उद्यम से आपको लाभ प्राप्त किया जा सकता है। व्यापार में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। नवीन सौदे आपके लिए लाभदायक रहेंगे और मददगार लोगों आपकी मुश्किल पेच को दूर करने में भी मदद करेंगे। मात्र संबंध मौद्रिक लाभों के साधन के रूप में आपको कार्य कर सकते हैं। छात्रों को अपने एकाग्रता के साथ पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन आपका सामान्य बीतेगा और विवाह योग्य जातकों का विवाह संबंध निश्चित हो सकता है। आप में से कुछ लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान हो सकते हैं। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के जातकों, आज आप अत्यधिक आशावादी ना बने, अत्यधिक सतर्क रहने का प्रयास करें। तीव्र प्रगति के बावजूद आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने और व्यवस्थित रूप से काम करने की बड़ी आवश्यकता है। आपको अनुशासित रहना चाहिए। यदि आप विरोधाभासी कार्य लेते हैं तो आप अपना आपदा का सामना करने के लिए तैयार रहें। आर्थिक मामलों में आपके संयम बरतना चाहिए और कोई भी नई प्रतिस्पर्धा बनाने से पहले दो बार सोचना चाहिए। धन की रुकावट से परिवार में असंतोष पैदा हो सकता है। बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के जातकों, नौकरी और संचार से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल है। आपके करियर में विस्तार के लिए समांतर रास्ते मिलेंगे। आपको नए कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा जो आपकी नई जिम्मेदारियों को समझने और संभालने में काम आएगा। छात्र का प्रदर्शन संतोषजनक होगा। माता पिता अपने बच्चों के प्रदर्शन के बारे में खुश होंगे और आप में से कुछ को नए क्षेत्रों में काम करने का भी अवसर मिलेगा। आप अपने प्रयासों में सफल रहेंगे। टेलीविजन मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन से संबंधित लोगों का प्रमोशन का योग भी बनते नजर आ रहा है। अब बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि वाले जातकों, आज आपको अपनी वाणी पर अंकुश लगाना होगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपने पहले जो जोखिम उठाए हैं उन्हें उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। समझदारी से किया गया निवेश ही आपको लाभ दिलाएगा। अपने भाई बहनों के साथ आपकी हल्की नोकझोंक हो सकती है। जब तक आप अपने भाई बहनों से शुद्ध मुद्दों को ख़त्म नहीं करेंगे, आप चुप नहीं बैठेंगे। आपको अपने परिवार से किसी छोटे सदस्य की शादी का खर्चा भी उठाना पड़ सकता है। अपने काम की वजह से लगातार यात्रा भी करनी पड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।